मम्मी वो खाने में क्या बनाऊं? वसीम के लिए तो परहेजी खाना बनेगा, बाकी जो दिल में आए पका लो। अपनी मर्जी से। चले मैं अरसलान से फोन पर पूछ लेती हूँ। अरे भाई, अरसलान ऑफिस जाता है काम करने के लिए, बिना वजह से डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है? फ्रिज खोलो, गोश्त सब्जी सब पड़ा है, जो दिल में आता है पका लो। तो फिर आप ऐसा करें, अरसलान की कोई अच्छी चीज़ बता दो जो उन्हें पसंद हो, मैं वो बना लेती हूँ। हाँ ये ठीक। अरसलान को ना कड़ी चावल बहुत पसंद है, वो बना लो। ठीक है। सुनो, शादी को एक महीना हो गया है, कोई खुशखबरी नहीं है क्या? जब अल्लाह को मंजूर होगा। नहीं, अल्लाह के साथ साथ इंसान की मंजूरी भी तो जरूरी है ना। अब वो मैं पूछ रही थी कि कहीं तुम लोगों ने फैमिली प्लानिंग के चक्रों में तो नहीं पड़ गए ना? नहीं नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, आप बेशक अरसलान से पूछ लीजिएगा। नहीं, तुम पागल तो नहीं? ऐसी बातें मैं जवान बच्चे से पूछती थी, अच्छी लगूंगी भला? भाई अब मुझे तो ये फिक्र है ना कि 30 साल की उम्र में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं माँ बनने के लिए। अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह तो हमेशा बेहतर ही करता है। अब तुम देखो ना, 30 साल की उम्र में औरतों के 3-4 बच्चे होते हैं। अब तुम्हारी तो शादी ही 30 साल में हुई है। अल्लाह कोई मुआवजा ही कर दे, वैसे सार कुछ नजर तो नहीं आ रहे मुझे भाई। वो मैं खाना देखती हूँ। सवाल पूछो तो बस गूंगी बन जाती है। अल्लाह ही खैर करे। आ गए हमें, अब बोलो क्या बात करनी है। अब आ गए हो तो बैठ भी जाओ। बैठो। मैंने तुम्हारी फेवरेट कॉकटेल ऑर्डर किया, मुझे बताओ व्हाट विल यू ईट? आई विल ऑर्डर समथिंग एल्स। जहर मंगवा लो, वैसे भी तुम जिंदगी में जहर खोलने की माहिर हो। जो जहर नादानगी में मैंने तुम्हारी जिंदगी में घोला है, उसी का तो त्याग करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। मुझे बताओ मैं ऐसा क्या करूँ जिससे सारी चीजें वैसी हो जाएं जैसे पहले थी। तुम मेरी गलतियों को माफ नहीं कर सकते। ठीक यही सवाल मैंने भी तुमसे किया था कि मैं ऐसा क्या करूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, और याद है तुमने क्या जवाब दिया था? कि तुम एक प्रैक्टिकल सोच रखने वाली लड़की हो। तो अब कहाँ गई तुम्हारी प्रैक्टिकल सोच, अपनी क्लास के लड़के के साथ शादी की प्लानिंग? तो मेरी मोहब्बत में नहीं, अपनी नाकामी की वजह से वापस आई हो। अगर तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश होती तो मुझे देखना तक गवारा नहीं करती। तुम्हारी सारी बातें दुरुस्त हैं, मगर ये भी सच है कि मैंने तुमसे टूट के मोहब्बत की है। मैंने भी तुम्हें टूट के चाहा था और तुमने उल्टा मुझे तोड़ के रख दिया था। मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि अगर मैं सारी रात भी यहां बैठा रहूंगा ना तो तुम मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं दिला सकोगी। प्लीज अरसलान, अगर आज तुम मुझे छोड़कर गए तो मैं अपनी जान ले लूंगी। कोई किसी के लिए अपनी जान नहीं देता।